प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी बड़ी परेशानी में हो तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों बहुत बार हमारे जीवनों में ऐसा होता है जब हम बहुत परेशानियों में गिर जाते हैं, परेशानियों में होते हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में गलत निर्णय ले लेते हैं और जिससे हम और अधिक परेशानियों में पड़ जाते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक बार बाइबल में हुआ राजा हिजकिय्याह के जीवन में, जो कि हम यशायाह की किताब 37वें अध्याय में पढ़ते हैं। एक बार राजा हिजकिय्याह के जीवन में ऐसा हुआ कि जब असुर के राजा ने उसे एक चिट्ठी भेजी कि मैं तुझ पर चढ़ाई करने आ रहा हूं, तुझे मेरे हाथ से तेरा परमेश्वर यहोवा भी नहीं बचा सकता। जिस प्रकार मैंने अन्य देशों को जीत लिया है उसी प्रकार मैं तुझे भी जीत लूंगा। और जब राजा हिजकिय्याह ने यह सुना तो उसने कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बहुत अच्छा काम किया। वो डर तो गया था, वो भयभीत तो हो गया था, लेकिन उसने कोई भी निर्णय नहीं लिया। उसने क्या किया कि वो तुरंत से परमेश्वर के भवन में गया, प्रभु यहोवा के पास गया और उस चिट्ठी को लेकर के उसने परमेश्वर के भवन में वो चिट्ठी फैला दी और परमेश्वर से कहा, हे प्रभु सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन। हे प्रभु हमें तो उसके हाथों से बचा ले। और दोस्तों जब राजा हिजकिय्याह ने अपनी परेशानी को परमेश्वर के सामने रखा और जब परमेश्वर से राजा हिजकिय्याह ने अपनी परेशानी के लिए प्रार्थना किया तो उसी रात परमेश्वर के दूत ने ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि असुर के राजा को वापस अपने देश जाना पड़ा। फिर जीवन में वो कभी भी उसने नहीं सोचा कि वो राजा हिजकिय्याह पर चढ़ाई को करे, राजा हिजकिय्याह के साथ में लड़ाई करे। उसने जीवन भर इस बात को फिर कभी नहीं सोचा। और परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह के लिए यह बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया कि उसे उस परेशानी से निकाल दिया। दोस्तों इसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी कर सकते हैं, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने राजा हिजकिय्याह के लिए किया। दोस्तों यदि आज आप बड़ी परेशानी में हैं, जिस परेशानी को देखकर आप डर गए हैं, आप भयभीत हो गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस परेशानी से आप कैसे बाहर निकलेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं तुरंत से परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देंगे और आपको उस कठिन परिस्थिति से, उस परेशानी से, उस मुसीबत से आपको बाहर निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।